नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केएम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज डबल हेडर है वुमन आईपीएल का और दो दो मैच है, तो उसमें अच्छे खासे टाइम दे के पैसे बना सकते हैं अपन। और जैसे कि मैंने बताया था, कल पहला मैच था, देखो पूरा एकदम फ्लैट विकेट था। तो पहली इनिंग में 207 रन बने, लेकिन दीजी दूसरी इनिंग में दीदी लोग टेंशन में आ गए और 64 में ऑल आउट हो गए। ठीक है, तो यही खेल है, तो इसलिए जो जो पहले मैच है हर एक टीम का, वो थोड़ा संभल के खेलना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि उसको फिर समझ सकते हैं। जैसे अपन ने कल देखा, इसका ओवरव्यू क्या है कि भाई एमआई वुमन की बॉलिंग भी स्ट्रांग है, बैटिंग भी स्ट्रांग है, तो ओवरऑल अच्छी टीम है। ठीक है, तो ये थोड़ा पहला मैच होता है, उसमें थोड़ी सब्र रखना रहता है, पेशेंस रखना रहता है, और फिर आराम से अपन जीत सकते हैं। तो जो टूर्नामेंट की स्टार्टिंग होती है, उसमें थोड़े कम पैसे लगाओ और उसको समझो, और उसके बाद फिर बड़े पैसे पे जाना है अपने को। ठीक है, तो उसी के लिए मेरे साथ लाइव में बने रहने के लिए टेलीग्राम चैनल पे बने रहे, वहाँ पे मैं आपको फ्री में लाइव अपडेट देता हूँ, लाइव अपडेट देता हूँ, जिसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये गरीबों का चैनल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 3:30 PM जो अपना है RCB वुमन वर्सेस DC वुमन। ठीक है, तो स्मृति मंदना RCB की कैप्टन है और लैनिंग है DC वुमन की। ठीक है, अभी टीम्स में गौर किया जाए तो तानिया भाटिया, लैनिंग्स वर्मा, रॉड्रिगस, एलिस कैप्सी जो हीटर है, लॉरा हैरिस वो भी हीटर है, जासिया अख्तर, शिखा पांडे, मैरिजन कैप जो ऑलराउंडर अच्छी है, स्नेहा दीप्ति, राधा यादव, अनुराधा रेड्डी, पूनम यादव, जोनेसन, तीसा सद्दू, कुहू, तारा मोरिश। इसमें देखे तो स्मृति मंदना, रिचा घोष, वेनी कर्क, एल्सा पेरी, हीदर नाइट, सोफी डिवाइन, एरन बर्न्स, मैगन शूट, रेनिका सिंह, बाकी सब नई लड़कियाँ है। ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस टीम है दोनों की, जिस हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, तो इन्होंने सोफी डिवाइन को भी लिया है, हेदर नाइट को भी लिया है, तो देखना पड़ेगा चार किसे। वेनी कर्क को अभी नहीं खिलाएंगे ऐसा लग रहा है, तो लेट अस सी। तो पहले तो वो लोग क्या खिलाते हैं, तो उससे पहले जो प्री बैटिंग अमाउंट रहता है, जैसे 5,000 है, तो उसके खाली 10% ही आपको इसमें जाना है। तो उसके लिए बता देता हूँ आपको, पहले मैच का है अपना RCB वुमन वर्सेस DC वुमन। ठीक है, तो उसमें देखिए, कल हमने आपको MI वुमन मैंने बताया था, दोस्तों जीत गए थे आराम से, 41 रन बता रहे थे और जीत गए थे मस्त। लेकिन अब इन्होंने ये भी सीख गए, इन्होंने 6 में 46 कर दिए, टीम 2 में भी 45 कर दिए, तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बैटिंग विकेट रहेगा और फ्लैट ट्रैक रहेगी। ठीक है, तो इसमें अपने को बैट्समैन को पकड़ना है फिर, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है विकेट और सभी को ध्यान में रखते हुए हेदर नाइट के 20 पॉइंट में आप जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है, अगर वो नहीं जाना है तो एलिसा पेरी, जिसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों आएगी, तो उसके आप एलिसा पेरी के 40 पॉइंट में जा सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये दोनों मस्त ऑप्शन है आपके पास, इसमें आराम से जा सकते हैं अपन। अब बात कर लेते हैं दूसरे मैच की, जो कि है यूपी वॉरियर्स वुमन वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमन। गुजरात जायंट्स का तो कल ने हमने ऑलरेडी टीम देख ली है, तो अब एक बार यूपी वॉरियर्स पे टीम पे अपन गौर कर लेते हैं थोड़ा। यूपी वॉरियर्स में हेली कैप्टन है किरण नारगे, देविका वैद्य, सिमरन शेख, दीप्ति शर्मा, ताइला मेघराज, पार्श्वी चोपड़ा, श्वेता सहरावत, पैकलेस्टन, सबनम इस्माइल, गायकवाड़, ग्रेस हैरिस, लॉरेन बेल, अंजलि शर्वानी। ग्रेस हैरिस हिटर है, तो इनकी भी टीम बहुत अच्छी है, बैलेंस है। अभी गुजरात की टीम भी मेनली डिपेंडेंट है देखा जाए तो अपने इस पे, मुनी पे और गार्डनर पे बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ किस पे ऊपर हम जा सकते हैं।
मेघना ने सो फिर अंकली तो खेलेगी नहीं। शबनम मेघना सही चॉइस नहीं है। ठीक है 46 42.5। इसमें आपको जाना है 38 रन्स गुजरात जायंट्स के टीम 2 के। ठीक है कल उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्लैट विकेट रहेगा। रन बने गए तो मुनी वो थोड़ा बाहर हो गई थी, और वो छोड़ दीजिए आप बेथ मुनी के 47 पॉइंट पकड़ लीजिए तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है तो बेथ मुनी 47 ऑफ द पॉइंट, वो भी एक कीपर है, एक दो कीपिंग करेंगे तो वो सही रहेगा आपने लिए। ठीक है तो ये डबल हेडर हो गया, तो ये प्लस साउथ अफ्रीका बांग्लादेश वाला वो कर दो तो आपको एक एक्यूलेटर भी अच्छा अपने लिए तैयार हो जाता है। देखो एक मैं आपको अभी बैट स्लिप कोड भी उसका दे देता हूँ, ये आप पकड़ लीजिए 47 पॉइंट बैट मुनी के। ठीक है कैप्टन है, खेलेगी आराम से अल्टरनेटिव आउटकम्स में। इसमें आप पकड़ लीजिए हैदर नाइट, इसमें अपन एल्सा पेरी भी जा सकते हैं, हैदर नाइट को छोड़ दीजिए क्योंकि उसके बॉलिंग बैटिंग दोनों आएगी। और फिर एक ये है बांग्लादेश इंग्लैंड में, अपने को लेना है मेहंदी मोहसिन मिराज। तो ये तीनों का आप अच्छा एक्युमुलेट करके अच्छे अपन पैसे कमा सकते हैं। ठीक है ये कोड है आपको मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। तो इसका अपन अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं और आराम से एक एक्यूमुलेटर आप इसमें 500 भी मारोगे तो भी अच्छे खासे पैसे बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों ये था आज का डबल हेडर प्लस एक्यूमुलेटर एक मैच का। अभी फुटबॉल का अलग से आपका एक्यूमुलेटर है वो देता हूँ। ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओके बाय।